जय सच्चिदानंद। आप सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को अत्यंत भक्तिपूर्वक अभेद भाव से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय सच्चिदानंद। ज्ञान नहीं पाए और बाद में जब ज्ञान लेते हैं तो ज्ञान लेने से काम पूरा नहीं हो पाया, पर शुरुआत हुई मोक्ष मार्ग में। अभी जितनी 5 आज्ञा में रहेंगे उतनी जागृति बढ़ते जाएगी, जितनी जागृति बढ़ेगी उतनी 5 आज्ञा में रह पाएंगे और 5 आज्ञा से ही हमारा मोक्ष मार्ग पूरा होते जाएगा। जितनी फाइलों का संभाव से निकाल हो गया उतना मोक्ष मार्ग हमारा आगे बढ़े, उतना संसार मार्ग छूटा हमारा। 5 आज्ञा ही मुख्य चीज़ है और 5 आज्ञा में नहीं रहने देने वाले क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष तो उसके प्रतिक्रमण करके भी वापस आ जाने का और 5 आज्ञा में रहने का। और सबसे ज़्यादा पावर बढ़े ऐसी है दादाजी की विधि, चरण विधि की जो किताब दी है वो विधि बहुत पावरफुल है। नियम से रोज अवश्य पढ़नी चाहिए, वो भी दादाजी की ही आज्ञा है। उसमें भी मुख्य निश्चय व्यवहार चरण विधि जो शुद्धात्मा का पावर भरा जाएगा। बाद में दादाजी की किताबें हैं आप्तवाणी या छोटी मोटी दूसरी किताबें ज़रूर पढ़, दादावाणी ज़रूर पढ़ते रहना चाहिए ताकि ये संसार में कितने प्रकार के उलझने हैं, हमारे भी जीवन में बहुत प्रकार के प्रॉब्लम्स आते हैं, उसका सॉल्यूशन इसी लाइफ में इसी काल के लोगों के लिए ज़रूरी ज्ञान दादाजी ने बताया है। वो ज्ञान का परिचय जितना होगा वो वाणी से, दादावाणी मैगजीन और आप्तवाणी पुस्तकें और दूसरे भी पैसों का व्यवहार, पति पत्नी का दिव्य व्यवहार, ऐसे बहुत सारी छोटी मोटी किताबें हैं, एडजस्ट एवरीवेयर किताबें भी ज्ञान वाणी ही है। वो जितनी पढ़ेंगे समझेंगे तो धीरे धीरे जीवन में कितने प्रकार के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। और प्रतिक्रमण है विधि वांछन सामयिक प्रतिक्रमण किसी को दुख पहुंचा मन वचन काया से व्यवहार से तो भीतर में शुद्धात्मा की जागृति में रह के जुदापन की जागृति रख के फाइल वन के पास ही खुद के गलतियों के प्रतिक्रमण कराने हैं। और सामयिक में हम देखेंगे किस प्रकार किस वजह से ये गलतियाँ इस प्रकार की हो जाती है, सामने वाले को हमारे व्यवहार से दुख पहुँच जाता है उसको भी सूक्ष्म स्वरूप से दोषों को देखेंगे। और बुद्धि अहंकार मन चित सभी जितना संसार भाव में जाते हैं उतने राग द्वेष मोह बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ आरती है, असीम जय जयकार है, ये बुद्धि शांत होने का रास्ता है, मन स्थिर होने का रास्ता है, मन विलय भी होते जाएगा स्थिर भी होते जाएगा। तो ये सब साधन है मोक्ष मार्ग के साधन और आत्मा स्वरूप की भजना होती है। सिमंदर स्वामी या दादा भगवान प्रगट ज्ञानी पुरुष तो उनकी ही भजना है, आत्मा की ही भजना होती है। नहीं तो ये संसार की भजना तो चालू ही है, लक्ष्मी विषय कीर्ति मान धंधा सब व्यवहार की भजना हो तो हम फाइल स्वरूप समझ के संभाव से निकाल करते जाएंगे। अगर हमारा पुरुषार्थ हमारा लक्ष्य रहेगा इसी जन्म में आत्मा का स्पष्ट अनुभव तक पहुंच सके उतना दादाजी का विज्ञान खुला है, वही ध्येय रखेंगे कि इसी जन्म में हमें आत्मा का स्पष्ट अनुभव तक पहुंचना है। संसार की कोई परिस्थिति कोई व्यक्ति कोई संबंध कोई संजोग कोई निमित्त में दुखदायी न हो सके वहाँ तक अनुभवती में पहुँचे वही आत्मा का स्पष्ट अनुभव। मृत्यु जैसी स्थिति आई तो भी भीतर में समाधि टूट न जाए। और इसी जन्म में जब ज्ञान मिलता है तो आत्मा का स्पष्ट वेदन शुक्ल ध्यान का प्रथम चरण वहाँ से शुरुआत होती है,
शुक्ल ध्यान का दूसरा चरण स्वस्थ अनुभव, और तीसरा और चौथा, तीसरा केवल ज्ञान, चौथा निर्वाण महाविद्या क्षेत्र सिमंदर स्वामी के पास होगा। हम यही भावना करेंगे यहाँ इस संसार के सभी राग द्वेष हिसाब वाले चिकनी फाइलें हैं, सभी का संभाव से निकाल करते 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 छूटना है, हिसाब पूरा करना है, नया कर्म बांधना नहीं, वैर छोड़ना है, छूटना है। एक एक हिसाब पूरे करके सब हिसाब पूरे हुए तो यहाँ से कोई वापस इस क्षेत्र में जन्म होने का संभव नहीं, महाविद्या क्षेत्र सिमंदर स्वामी के पास जन्म होगा। वहाँ से केवल ज्ञान पाके निर्वाण होके सिद्ध क्षेत्र मोक्ष गति पा सकेंगे। और भविष्य का मोक्ष की बात में है, यहाँ इसी जन्म में अनुभूति होनी चाहिए तमाम दुखों से मुक्ति। कोई अपमान करे, कोई नुकसान करे, कोई एक्सीडेंट आया, मृत्यु आया घर में किसी का, कोई परिस्थिति संभाव रहे, समता भाव रहे, वितराग रहे, वितरागता रहे, वही परिणाम इस जन्म में संपूर्ण समाधि दशा है तो फिर आगे वही दशा हमें प्राप्त होने वाली है। रिजर्वेशन कंफर्म होके टिकट मिल गई, हम सेफली जर्नी पूरी कर सकेंगे। तो यहाँ भी समाधि मरण हुआ तो एक दो जन्म में कायम का मोक्ष होके ही रहेगा। ये कोई नया धर्म नहीं, नया संप्रदाय, मगर मोक्ष मार्ग है, तमाम दुखों से तमाम कर्मों से छूटने का रास्ता है। अभी बहुत सारे प्रश्न हैं, सभी के लेते जाएंगे। विनय कुमार फाटक मुंबई दादर, सेल्फ रियलाइजेशन कैसे करावे? वो तो यहाँ आएंगे तो हो ही जाएगा, अब आए ही है। सेल्फ यानी खुद कौन है उसकी पहचान, विजय कुमार तो शरीर का नाम है, मेरा नाम विजय कुमार और मैं विजय कुमार, उसमें कोई अंतर है? नहीं। अरे ये मेरा घर है, बाद में बोले ये मैं ही घर हूँ, अरे ऐसे कैसे बोलते हो? दोनों सरीका है क्या? नहीं सरीका नहीं। हाँ मेरा नाम विजय कुमार सही है तो मैं खुद कौन हूँ वो पहचानने का है। और वो ज्ञान से, दादाजी के ज्ञान से वो समझ प्राप्त हो जाएगी आपको। आत्मा मध्ये कचे राय के, हाँ वो पांच आज्ञा बताएंगे, आत्मा में रहने की चावी, जितनी पांच आज्ञा में रहोगे उतना आत्मा में रह पाओगे। नहीं सीता जी को बताया था लक्ष्मण रेखा, इसके बाहर जाओगे तो हरण हो जाएगा, अंदर रहोगे तो सलामत। तो ऐसे पांच आज्ञा में रहोगे तो आत्मा रहेगो रह सकोगे, और पांच आज्ञा से बाहर निकल गए तो फिर विजय कुमार होके रहोगे। अच्छा पांच आज्ञा वही आत्मा में रहने की चाबी है। हाँ जितना दादाजी बताते 70% पांच आज्ञा में रहोगे तो यहाँ से महाविद्या क्षेत्र एक अवतार में पहुँचोगे और वहाँ से सीधा मोक्ष जा सकोगे। तो आज्ञा को ही पकड़ के चलना, आज्ञा वही धर्म, आज्ञा वही तप, और वही पुरुषार्थ हमें जागृति में दिन रात रखना है। अंजू चौहान भोपाल। जय सच्चिदानंद दीपक भाई। मेरा प्रश्न ये है कि बुरा करने और बुरा सोचने में क्या अंतर है? इसका रिजल्ट जो आता है वो सेम आता है कि अलग अलग? सचमुच तो अज्ञान दशा में बुरा करने के टाइम बुरा सोचना चालू ही है तो दोनों के बीच गिरते ही रहते हैं। और बाई चांस उसने बुरा किया और भीतर में सोच बदली भी हो सकती है, क्योंकि अज्ञान दशा में मन वचन का एक की एकता योग नहीं है, तो सोच में चेंज हो गया और वर्तन में बुरा हो गया, तो सोच में चेंज हुआ तो दूसरा भाव में सेफ साइड रहेगी और ये बुरा वर्तन का फल इसी जन्म में कुछ दुख आ जाएगा। बट हम चाहते हैं ज्ञान के बाद तो बुरा वर्तन और बुरा सोच दोनों फाइल है, संभाव से निकाल करो, आपको कर्म बंधन नहीं होएगा, सिर्फ अंजू के पास प्रतिक्रमण कराने का है जी। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि हम कुछ लोगों से मिलते हैं तो उनसे कुछ ज़्यादा ही क्लेश द्वेष होते, रोज उनका प्रतिक्रमण करें फिर भी अगले दिन अगर उनको देखते तो उनसे फिर हो जाते, तो वो क्या हमारा पुराना हिसाब है? हाँ पुराना हिसाब है एक, और दूसरा हमारे मन में उनके लिए नेगेटिव अभिप्राय है, ऐसा कोई बताएगा तो मुझे पसंद नहीं, ऐसा कोई करेगा हमको अच्छा नहीं लगता है, ऐसा आदमी होगा तो हम इसके साथ नहीं व्यवहार, हमारे नेगेटिविटी बहुत होगी, हमारी बुद्धि सब नेगेटिव बताती है, इसके लिए दूसरे के साथ व्यवहार करने में राग द्वेष हो जाते हैं, तो द्वेष हो जाते हैं। और उसके लिए अभी ज्ञान की दृष्टि से देखो शुद्धात्मा है,
और प्रकृति का भरा हुआ माल, हमें क्यों राग द्वेष करना जी? जैसे ज्ञान से जाओगे तो बहुत आसानी से व्यक्तियों के साथ व्यवहार पूरा कर सकोगे, संभव से जी। जय सच्चिदानंद जी। सी जैन अजमेर। मेरे प्रश्न है, मैं धर्म का सही स्वरूप क्या है जानना चाहूँगा। सही धर्म का दो स्वरूप है, एक एक रिलेटिव धर्म इस संसार में चलते हैं, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शिव धर्म, व्यवहार धर्म है, और दूसरा निश्चय धर्म, आत्मा को पहचान के आत्मा में रहना, आत्म धर्म में खुद के स्वभाव में रहना, वस्तु स्वभाव वही धर्म, और निश्चय धर्म है। और सामान्य भाषा में बताए तो ये व्यवहार जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शिव धर्म, उसे एग्जैक्ट देखने जाए तो ये जो पांच इंद्रिय से जितना अनुभव में आता है वो सब व्यवहार है, और भीतर में सद्भावना है, दुर्भावना है, वो भाव वहाँ धर्म है। किसी को बोले अक्कल नहीं है, बैठे इधर जाओ खाने के लिए, कितनी देर लगाते हो, तो दुख दे के व्यवहार करना वो अधर्म है। व्यवहार तो करता ही है मगर दूसरे को दुख हो जाए ऐसे व्यवहार है, तो भीतर में अधर्म उत्पन्न हुआ। भाग्यशाली भाइयों बहनों चलो प्रसाद लेने के लिए शुरू हो गया महाप्रसाद, तो अच्छा लगे सबको, भीतर में धर्म है बाहर व्यवहार है, व्यवहार तो दिखता है मगर धर्म अधर्म भीतर में है, राग द्वेष अभाव तिरस्कार, वो द्वेष है वो अधर्म है, शुभ भाव है सद्भावना है वो धर्म है। समझ में आया आपको? दूसरा 24वें तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर स्वामी द्वारा प्ररूपित जिनवाणी और दादा भगवान द्वारा बताई गई दादावाणी मुझे तो एक जैसी लगती है, दोनों में कुछ अंतर नज़र नहीं आता है, तो कृपया इसमें क्या मूल अंतर है वो बताने की कृपा करें। अंतर तो दोनों देशना ही बोला जाएगा मगर वो पूर्ण देशना है दादाजी की, चार डिग्री कम वाली देशना है, स्यादवाद दोनों है, दादाजी की चार डिग्री कमी है, भगवान महावीर की पूर्ण है, यानी थोड़ा अंतर है मगर वो अंतर हमारे लिए नहीं उनके लिए है। हमारे लिए तो 14 का चांद है कि पूनम का, हमारे लिए तो पूर्ण चंद्र दिखेगा, हमें तो संसार छुड़ा के आत्मा के संपूर्ण अनुभव पहुँचने के लिए यही वाणी अवलंबन स्वरूप है, हमारे लिए तो इस लाइफ में पूर्ण अवलंबन स्वरूप ये वाणी है, ज्ञान वाणी, उसे हमारा काम तो होके ही रहेगा। एक प्रश्न और है, आपने प्रतिक्रमण करने के लिए रोजाना करना, पाक्षिक करना और त्रिमासिक करना और सांवत्सरिक करना ये बताया था, और पर यह किताब जो प्रतिक्रमण की किताब में पढ़ रहा था उसमें लिखा है जैसे, तो उसमें जानकारी करना चाहूँगा कि इसका प्रतिक्रमण कब करना चाहिए और किस विधि से करना चाहिए। ये भगवान महावीर ने बताया, रायसी, देवसी, पाक्षिक, त्रिमासिक, संवत्सरी सब, और सचमुच तो शूट एट साइट, दोष खड़ा हुआ उसी मोमेंट के उसको ख़त्म करो, जैसे चाय पीते पीते एक बूंद चाय की कपड़े के ऊपर गिर गई तो कितना, दो चार दिन के बाद धोते हो कि तीन महीने के बाद के एक साल के बाद, तुरंत नाश्ता, अरे बरा दो मिनट जो जरा बिगड़ गया, अब बाद में आता हो, पहले जाएगा बाथरूम में धोएगा, बाद में चेक करेगा, ठीक है शाम को घर पे जाके अच्छी तरह मशीन में डालूंगा, मगर रात को तो पक्का धो के क्लियर कर देगा, शुद्ध कर देगा कपड़े को। तो ये सचमुच तो सूटेड साइट होना चाहिए, दाग गिरा तुरंत धो डालो, वो सच्चा रास्ता है। तो ये जो प्रतिक्रमण विधि चरण विधि के पीछे बताई है, प्रतिक्रमण किताब में भी लिखी है लास्ट पेज पे, उसका हेतु इतना ही है कि इस प्रकार आत्मा को जुदा करके भीतर वाले शुद्धात्मा के साक्षी में जो व्यक्ति के साथ जो राग द्वेष हो गए उसके माफ़ी मांग लो, ऑन द स्पॉट सबसे अच्छा है, और थोड़ा देर के दो मिनट पाँच मिनट दो घंटे के बाद में भी याद आ गया उसी टाइम भी प्रतिक्रमण कर दिया तो भी हमारा दोष धोया जाएगा। समझ में आया आपको? जय सच्चिदानंद। अरविंद कर्नाटक, क्या प्रश्न है? फिश चिकन मैं खाता हूँ, आप खाने को मना करते हैं तो क्यों मना करते हो? फिश चिकन खाते हो, अच्छा लगता है, और चिकन छोटा बच्चा रहता है ना मुर्गी का,
कभी पकड़ा है आपने? नहीं, टमेटो काटने में अच्छा लगता है ना? टमेटो काकड़ी काट सकता है ना? चिकन काट सकता है आप? मछली काटेगा? ओ, मगर उसको कितना दुख होता है। नहीं, चिकन पकड़ने जाएंगे तो भागता नहीं है? भागता है ना? तो उसकी मम्मी को कितना दुख होएगा, उसके बच्चे को मार डाला तो दुख नहीं होएगा? नहीं, अभी आप भी इतने छोटे हो तो आपकी मम्मी है ना, तो आपको कोई मारेगा तो मम्मी को दुख होता है कि नहीं? आपको मारेगा दुख लगता है आपको? तो किसी को मारने से अच्छा है कि नहीं मारना अच्छा है? नहीं मारना। तो चिकन को कितना दुख होता है, मछली को कितना दुख होता है, उसके माँ बाप को कितना दुख होएगा? और ये खून निकलता है तो अच्छा लगता है? नहीं। तो खून बच्चे जब मरता है तो कितना खून निकलता है उसमें से, और नहीं खाना चाहिए। अंडे में भी जीव है, किसी जीव को नुकसान करके, हाँ दूसरे का दूसरा बहुत सारा खाना मिलता है, वो आराम से खाओ, ये खाने में तो बहुत नुकसान होता है। आवरण आते हैं, जीव को कितना दुख होता है, भय के परमाणु हमारे शरीर में जाएंगे, दुख के परमाणु जाएंगे, वेदना के परमाणु जाएंगे। हाँ, नहीं खाना चाहिए। हाँ, दादा भगवान के पास शक्ति मांगना, घर में भी मम्मी को बताना, मम्मी आई है क्या आपकी? मम्मी को बोलने का, ऐसा नहीं बनाओ, फर्स्ट क्लास वेजिटेरियन डिश बनाओ, इडली सांभर कर्नाटक में तो बहुत अच्छा मिलता है, इडली अच्छी लगती है ना, इडली सांभर अच्छा लगता है ना, वो खाने का। हाँ, वो नहीं, जिंदा चीज़ नहीं खाने की। मंजू जैन। दीपक भाई, जय सच्चिदानंद। भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, मैं बहुत खुश हूँ, और घर में कैसे खुशी ला सकती हूँ? मतलब बस अभी दुख देना का बंद कर दिया तो बहुत हो गया। अभी स्पर्धा, जलस, अभाव, तिरस्कार, अभी पंचेंद्रिय को दुख नहीं देते हो तो चार इंद्रिय, तीन इंद्रिय, दो इंद्रिय, बाद में आगे बढ़ो, कोई भी जीव को नुकसान ना हो जाए, ऐसे जीवन जियो। और फिर गुस्सा क्यों आता है फिर कभी कभी? तो गुस्सा मनमानी नहीं हुई तो गुस्सा आ ही जाएगा। बेटे को ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, और वो नहीं करना चाहिए बोले और करते रहे तो गुस्सा आ जाएगा। तो उधर समझ लेने का, नहीं हुआ सो करेक्ट, समझा के काम लो। हमारे ऊपर कोई गुस्सा करे हमें पसंद आता है? बहुत पसंद आता है। आपके ऊपर गुस्सा किया अच्छा लगता है? नहीं। हाँ, तो फिर हमारी जागृति में रहना चाहिए, किसी के ऊपर क्रोध करके हम कैसे खुशी मनाएं? तुरंत पश्चाताप लेने का, प्रतिक्रमण करने का, और निश्चय करने का, समझा के बात करनी है, गुस्सा करके बात नहीं करनी है। गुस्से आने का समझ का अभाव, समाज समझाने की कैपेसिटी खत्म हो गई, इसके लिए क्रोध से काम करना चाहता है, समझ के काम लेना चाहिए। जय सच। दीपक भाई, आपने कहा है कि कर्म के बीज एक बार जो पड़ जाते तो उसका फल आता ही है, लेकिन बहुत से साधना मार्ग है, तो महापुरुष ने बताया भी है कि साधना मार्ग में जब साधना करते हैं तो उस जो कर्म के बीच डालते पिछले जन्म में पड़े हैं तो उसको साधना से डिलीट भी किया जा सकता है फल आने से पहले, तो ये क्या सच है? सचमुच तो मुश्किल है। भगवान महावीर को भुगतने पड़े, कृष्ण भगवान को भुगतने पड़े, हम किस खेत के मूले? ये तो ये बताते हैं, मगर उसको उसको लगता है कि मैंने इतना ध्यान किया, मैंने ये कर्म चेंज किया, मगर जो चेंज होने वाले था उतना ही उससे चेंज हुआ। आयुष कर्म कोई चेंज नहीं कर सकता है, वो तो भुगत के ही रहना पड़ता है, और दूसरे भी सुख दुख सब कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। सिर्फ प्रकृति में जितना था, कोई बोलेगा मैंने सिगरेट छोड़ दी तो उसका इतना ही कर्म था, तो ये स्ट्रांग निश्चय किया सिगरेट छूट गई, मगर वो छूटने वाला था ही था, इसके लिए वो कर्म छूटा। बाकी सचमुच आज के पुरुषार्थ से छूटता नहीं, पूर्व कर्म खत्म हुआ इसके लिए छूटा। समझ में आता है आपको? सचमुच तो पुरुषार्थ बीज में सुधार करना वो पुरुषार्थ है, फल को बदल करना वो सच्चा पुरुषार्थ नहीं। वो तो पुण्य का उदय होगा तब हमारी इच्छा अनुसार फल आते हैं तो मानता है मैंने किया, और पाप कर्म का उदय तो इच्छा से विरुद्ध फल आते रहता है, तब लगता है कि ये क्यों गलत हो रहा है, इसके वजह से उसके वजह से दूसरे के ऊपर आक्षेप दे देते हैं। सच्ची बात यह है तो कॉजिस को सुधार सकते, इफेक्ट को नहीं सुधार सकते। समझ में आता है?
और दीपक भाई, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि आपने कहा है कि ये जो सृष्टि की निर्मिति है वो अनादिकाल से है, उसका कोई यानी ये नहीं, टाइम नहीं है, ऐसा शुरुआत नहीं, शुरुआत भी आने वाला नहीं। हाँ। लेकिन वेद शास्त्रों में कहा गया है कि सृष्टि की निर्मिति ये जो भगवान ने की है। हाँ, वो बराबर है, जो जिसकी व्यू पॉइंट है उसके वर्ल्ड, ये गॉड इज क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड इज करेक्ट बाय देयर व्यू पॉइंट, नॉट बाय फैक्ट। अभी आप ही सोचो, आत्मा अविनाशी है कि विनाशी है? अविनाशी। तो अविनाशी को कोई उत्पन्न कर सकेगा भला? यानी उसका आदि नहीं है, उसका अंत नहीं है। जगत में छह अविनाशी तत्व है, काल तत्व अविनाशी, आकाश तत्व अविनाशी, जड़ तत्व अविनाशी, चेतन तत्व अविनाशी, गति सहायक स्थिति सहायक तत्व अविनाशी। अविनाशी तत्व आमने सामने आते हैं तो अवस्थाएँ उत्पन्न होती है। अवस्था का उत्पन्न होना, अवस्था का विनाश होना शक्य है, मगर तत्व का विनाश कभी हुआ नहीं, कभी होएगा नहीं। यानी ये भगवान की हाजिरी से अवस्था उत्पन्न होती है, भगवान का कर्तापन नहीं है। जैसे सूर्य चंद्र पृथ्वी आमने सामने घूमते हैं तो चंद्रमा में एकम बीज त्रि चौथ हो जाती है ना, तो अवस्था उत्पन्न चंद्र ने किया, सूर्य ने किया, पृथ्वी ने किया, किसने किया बोला जाएगा? नहीं, एक दूसरे की हाजिरी से आमने सामने आने के वजह से एकम बीज त्रिज हो जाती है। ऐसे मनुष्य दिखते हैं, पांच इंद्रियों से जितनी भी चीज़ें दिखती हैं वो अवस्थाएँ, मूल तत्व पांच इंद्रियों से दिखाई नहीं दे सकता है, बुद्धि से भी दिखाई नहीं दे सकता है। तो ये अवस्थाएँ दिखती है तत्व भीतर में, नहीं ये पानी आपने देखा है ना, तो पानी वो तत्व है कि अवस्थाएँ हैं? अवस्था, अवस्था है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन वो तत्व है, मूल तत्व, वो बिखरता हुए तो ऐसा परिणाम आया। जय सच्चिदानंद। उसकी बिगिनिंग दिखेगी, उसका एंड दिखेगा। अवस्था का एंड है, अवस्था की बिगिनिंग है, तत्व का एंड नहीं है।